three vectors P, Q, and R are shown in the figure. Let S be any point on the vector R. The distance between point P and S is B mod of vector R. The general relation among vector P, Q, and S is. Sorry. So, yahan par, we have to find the general relation between P, Q, and S. So, this is a basic question on vector operations, or you can say simple vector subtraction. Okay. Just understand the question. We have by the diagram. First vector ye P tak vector P ho gaya, Q tak vector Q ho gaya, aur S tak vector S ho gaya. Ye wala vector P se S tak ki jit taraf hai, uska magnitude B into R ke barabar hai. To vector subtraction ke formula se hum kya likh sakte hai? Vector S minus vector P is equal to वेक्टर हम इसको कैसे लिखेंगे ये जो ps वेक्टर है या सिंपली यू कैन राइट दैट इज वेक्टर ps एंड ps वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है b r और उसकी डायरेक्शन वेक्टर pq या वेक्टर r की तरफ होगी p से q तक का वेक्टर वेक्टर r है ठीक है तो वेक्टर आर की तरफ होगी तो ये यू कैन राइट इन आर कैप ठीक है तो यहां पर एस माइनस पी को हम क्या लिख सकते हैं वेक्टर मॉड ऑफ आर इनटू आर कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी आर वेक्टर ठीक है और क्या रिलेशन है क्यू माइनस पी इज इक्वल टू वेक्टर आर हो जाएगा वो डायग्राम में लिखा ही हुआ है सो अब हमें ऑप्शन देखना चाहिए तो ऑप्शन सब एस के पी और क्यू के टर्म में है तो बस इसको क्या करो S को हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर S is equal to वेक्टर P plus B into वेक्टर R this is वेक्टर R वेक्टर का सिंबल है this is वेक्टर R now वेक्टर R को हम क्या लिख सकते हैं Q minus P so this is P वेक्टर then B वेक्टर वेक्टर आर को हम लिख सकते हैं वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी माइनस वेक्टर पी सो बस इसको मैनिपुलेट कर लो पी वेक्टर ऐसे एंड दिस विल बी वन माइनस पी कॉमन ले लिया तो वन माइनस बी बचेगा एंड प्लस इधर क्या बचेगा वेक्टर बी क्यू सो आई थिंक तुम्हें आंसर दिख रहा होगा Answer is A. Okay.